ताकतवर नेता 25 जनवरी यानी कल गुलाबी नगरी जयपुर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ जयपुर में रोड शो करेंगे और राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत को देखने के लिए जाएंगे। मोदी और इमैनुअल मैक्रों गुरुवार को दोपहर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद तमाम कार्यक्रम होने हैं। आपको बता दें कि जयपुर के सांगानेरी गेट से हवा महल तक रोड शो होगा। पीएम मोदी के आगमन से पहले जयपुर सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक मुख्य सड़क पर सफाई, फुलवारी के साथ साथ लाइटें लगाई जाएंगी। सांगानेरी गेट में सुभाष चौक तक मुख्य बाजार की दुकानों की सफाई और पुताई का काम लगातार जारी है। वहीं हवा महल के सामने दीवारों पर विशेष रंग और पेंटिंग यहां पर की जा रही है। आमेर महल और सिटी पैलेस में मोदी को दिखाने के लिए हाथियों को भी सजा धजा कर तैयार किया जाएगा। आमेर महल को पूरी तरीके से सजाया गया है। इस मौके पर 25 जनवरी को इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के कारण आमेर महल और सिटी पैलेस पर्यटकों के लिए पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। पच्चीस जनवरी को जयपुर शहर में प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रस्तावित यात्रा है और साथ में इमैनुअल मैक्रों जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी भी प्रस्तावित यात्रा है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए विस्तृत यातायात के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, जिसमें जो भी संभावित क्षेत्र है जहाँ पर उनका जाना होगा और जिन पर्यटक स्थलों पर उनका जाना होगा उसको विभिन्न सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में एक एडिशनल एसपी रैंक के प्रभारी अधिकारी को नियुक्त किया गया है और उसके नीचे जो भी आवश्यक फोर्स चाहिए उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का एक दिवसीय जयपुर दौरा होने जा रहा है और आप देख सकते हैं आज जो फाइनल रिहर्सल है वो यहाँ पे की जा रही है और ये जो कारगेट है वो अब रवाना हुआ है जयपुर एयरपोर्ट से और ये सीधा जाएगा आमेर फोर्ट। और जिस तरह से कल पूरा एक दिवसीय दौरा रहेगा, रोड शो भी रहेगा पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का, उसको लेकर आज जो फाइनल रिहर्सल है वो जयपुर पुलिस और एसपीजी की ओर से की जा रही है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जो ये कारगेट है वो रहेगा, इसमें काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उसके साथ ही फ्रांस से एक डेलीगेशन भी उनके साथ आ रहा है जो कि घूमेगा। पहले ये लोग आमेर फोर्ट जाएंगे, आमेर फोर्ट में तकरीबन 2 घंटा बताया जा रहा है कि आमेर फोर्ट घूमेंगे, उसके बाद में फिर जंतर मंतर आएंगे और जंतर मंतर पे ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो हवा महल है वहाँ पे चाय पी जाएगी और वहीं कुछ ख़रीदारी भी जो हवा महल के आसपास का जो मार्केट है हैंडीक्राफ्ट की वहाँ से जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो करेंगे और उसके बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति का हवा महल से लेकर और जो सांगानेरी गेट है वहाँ तक रोड शो होगा और उसके बाद वो लोग वहाँ से होटल के लिए प्रस्थान करेंगे। और ये जो फाइनल रिहर्सल है वो की जा रही है ताकि सुरक्षा और जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी तरह से पुख्ता रह सके और किस तरह से जो मूवमेंट है वीवीआईपी वो रहेगा उसको लेकर ये जो फाइनल रिहर्सल है वो आज की गई। कैमरा पर्सन ब्रजेश यादव के साथ विनय पंत, जी मीडिया जयपुर। 25 जनवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति जयपुर दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयपुर पहुंचेंगे। ऐसे में फ्रांस के राष्ट्रपति का जो विजिट है वो आमेर फोर्ट रखा गया है क्योंकि विश्व हेरिटेज साइट है आमेर फोर्ट। ऐसे में जो आमेर फोर्ट का जो विजिट रखा गया है कल को विजिट को लेकर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की जा रही है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत और पर्यटन प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित अधिकारियों ने कल यहाँ पर जायजा लिया था और आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से रिहर्सल किया जा रहा है। जंतर मंतर जाएंगे, जंतर मंतर पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात होगी वहां पर जो ज्योतिषी गणना है उनके राशि के अनुसार उनकी जो राशिफल है उनकी गणना की जाएगी, वह भी बताया जाएगा। साथ ही मोदी और मैक्रो के बीच में वार्ता भी होगी। इसके बाद जंतर मंतर से जो रोड शो के लिए नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति निकलेंगे, इसके बाद यहाँ से जो फ्रांस के राष्ट्रपति और मोदी रामबाग पैलेस जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 होटल है क्योंकि अभी हाल ही में रामबाग पैलेस को वर्ल्ड की नंबर 1 होटल का ताज भी नवाजा गया, ताज से नवाजा गया था, तो वहाँ पर डिनर रखा गया। डिनर के बाद वहाँ से 10:10 पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे।
तो कह सकते हैं कि कल का जो इंतजार है वो फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचने का है, वो अब आज रिहर्सल किया जा रहा है उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके आगमन को लेकर और उनके स्वागत को किस तरीके से किया जाएगा वो पूरा रिहर्सल जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की ओर से किया गया है। कैमरा पर्सन विवेक शर्मा के साथ दामोदर प्रसाद, जी मीडिया जयपुर। तो गुलाबी नगरी में कल दुनिया के दो बड़े दिग्गज आने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बेहतर जानकारी के साथ, अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी दामोदर कनेक्ट हो गए, सीधा रुख करेंगे दामोदर का। दामोदर, कल इमैनुअल मैक्रों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी जयपुर में रहने वाले हैं, किस प्रकार से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्या मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहने वाला है, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बता दें। देखिए, कल का दिन एक खास दिन है और पूरे देश की नज़र यानी पूरे वर्ल्ड की नज़र रहेगी जयपुर पर, भारत पर। तो कह सकते हैं कि कल जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं वो जयपुर पहुंचेंगे, यानी कह सकते हैं कि दोपहर 3:15 बजे जयपुर एयरपोर्ट से 3:15 बजे से रवाना होकर आमेर फोर्ट पहुंचेंगे। पहला विजिट जो उनका है वो आमेर फोर्ट का है, उसके बाद वहां करीब 2 घंटे का उनका भ्रमण का कार्यक्रम है। यानी वहां से जैसे आमेर फोर्ट पहुंचेंगे, आमेर फोर्ट पहुंचने के बाद बीच रास्ते से ही आमेर फोर्ट पे उन्होंने पैदल चलने की इच्छा जाहिर की है कि वो पैदल चलकर ही फोर्ट तक पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है कि पूरी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आमेर फोर्ट, उसको वो देखना चाहते हैं पैदल चलकर ही। तो ऐसे में पूरी जो रिहर्सल है पुलिस प्रशासन जिला प्रशासन की ओर से पूरा रिहर्सल किया गया, किस तरीके से वो जाएंगे, कहाँ कैसे क्या, गाड़ी कहाँ रुकेगी, किस तरीके से पूरा रिहर्सल किया गया। जैसे ही सूरज पोल गेट पर पहुँचेंगे, आमेर फोर्ट के सूरज पोल गेट पर पहुँचेंगे, वहाँ पर करीब 10 हाथी रखे गए हैं जो शाही लवाजमे के साथ सजे हुए उनका स्वागत करेंगे। साथ ही राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया जाएगा। इसी स्वागत के साथ साथ जो राजस्थानी लोक कलाकार हैं वो प्रस्तुतियाँ देंगे कच्ची घोड़ी के द्वारा, उनके स्वागत में जो राजस्थानी लोकगीत और लोक संगीत के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। ढोल नगाड़े जो कि आमेर फोर्ट में जो बजाए जाते हैं वो ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत किया जाएगा। जिस तरीके से पूर्व में राजा जैसे ही प्रवेश करता था ढोल नगाड़े के साथ उनका स्वागत किया जाता था, वैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति का भी स्वागत किया जाएगा। और इसके बाद में जैसे ही वो सिंगपोल गेट के द्वार पर ऊपर जाएंगे, ऊपर जाकर दीवाने आम खास में दीवाने आम और दीवाने खास का देखेंगे, दीवाने खास के बाद 24 कचहरी, शीश महल और मानसिंह का भी भ्रमण करेंगे। और दीवाने आम पर कुछ जो एग्जीबिशन भी लगाई गई है जो राजस्थान के कह सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट या जो उत्पादन है वो उनके प्रोडक्ट वहाँ रखे गए हैं, ताकि वो वहाँ से जो मनपसंद जो अच्छी चीज़ लगे वो वहाँ से वो परचेज कर सकेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से भी फ्रांस के राष्ट्रपति को यहाँ की जो कह सकते हैं कि यादगार के लिए मार्बल के हाथी भी भेंट किए जाएंगे। साथ ही 5:30 बजे आमेर फोर्ट से जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति रवाना होंगे, सीधे जंतर मंतर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी। जंतर मंतर जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति जाएंगे वहां प्रधानमंत्री अगवानी करेंगे और वहां पर उनके चाय पर चर्चा भी होगी। चाय की चर्चा के बाद में जो जंतर मंतर पर जो ज्योतिषी गणना है उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी, उनके राशिफल के अनुसार उनकी ज्योतिषी जो गणना है वो दामोदर आएगी। दामोदर, आप आगे का कार्यक्रम बताएं, आप आगे का कार्यक्रम बताएं। उससे पहले मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि विष्णु हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए, उनका भी रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या इस वक्त हलचल वो देख पा रहे हैं कल के दौरे को लेकर, तैयारियों को लेकर। विष्णु, आप कहां मौजूद हैं, क्या हलचल इस वक्त, आप मुख्यमंत्री की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण इस बड़े कार्यक्रम को लेकर, जब दो बड़े देशों के दो बड़े दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री किस प्रकार से तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं? बिल्कुल आशीष, क्योंकि बड़ा मामला है, दो विश्व के सबसे बड़े शक्तिशाली जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं जी, और उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां कर रही है, वहीं पार्टी स्तर पर भी तैयारियां की जा रही है। इस वक्त मैं बीजेपी ऑफिस हूँ, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँचेंगे जी, तैयारियों का जायजा लेंगे, इसके बाद यहाँ बातचीत करेंगे, तैयारियों को लेकर मंथन करेंगे किस तरह से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि पार्टी की ओर से भी यहाँ पर जब रोड शो होगा तो यहाँ कार्यकर्ताओं से लगातार मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों का बड़े भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। और इसको लेकर बीजेपी में लगातार सुबह से बैठकों का दौर चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है,
अभी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा कर्मी लग गए हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी से कहूंगा कि सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात, और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो वो न केवल सरकार की बराबर जो तैयारियां उनको लेकर यहाँ पर करेंगे, बल्कि पार्टी की ओर से क्या तैयारियां चल रही है उनको लेकर भी समीक्षा करेंगे। बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर भी लगातार मौजूद हैं, मुख्यमंत्री का जब स्वागत करेंगे तो वो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर यहाँ जबरदस्त उत्सुकता है, प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर उत्सुकता है, और उसको लेकर लगातार तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। कुछ बीजेपी के नेता उनसे भी बात करते हैं कि क्या किस तरह से यहाँ पर चल रहा है, लगातार आ रहे हैं। क्या कहना प्रधानमंत्री और इमैनुअल जो है मैंक्रो कल आएंगे? ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फ्रांस के एक मैत्री का संदेश जाएगा, और उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितना अच्छे से अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस बारे में? कल फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर का आगमन और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी साहब का जयपुर का आगमन निसंदेह राजस्थान की पर्यटन में एक नई ऊंचाई की राह दिखाएगा, क्योंकि अभी कुछ समय पहले माननीय मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे तो अकस्मात वहाँ पर एकदम पर्यटन का बहुत प्रचंड बूम आया है, और राजस्थान की जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसका हस्तशिल्प, उसका खान पान, व्यंजन, इमारतें, हेरिटेज, ये सब वैश्विक रूप से बहुत एक प्रतिष्ठित स्थान है, और मेरा ये मानना है कि इसका निसंदेह बहुत सकारात्मक संदेश। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं समीक्षाओं को लेकर, क्या किस तरह से तैयारियाँ पार्टी की ओर से क्या चल रही है, किस तरह से तैयारियां? देखिए, पार्टी की ओर से तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए जगह जगह हमारे स्वागतदार बनेंगे और हमारे कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे, उसी की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। बाकी तो एक अच्छा है कि राजस्थान में अगर फ्रांस के राष्ट्रपति आते तो यहाँ पे टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल आशीष, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी उत्सुकता है कि दो देशों के जो प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं उनके स्वागत को लेकर। जी, जाहिर तौर पर विष्णु, और एक बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने भी है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए, क्योंकि फिर दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि रिपब्लिक डे के मौके पर बतौर चीफ गेस्ट आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रों, और जयपुर जा रहे हैं, जयपुर की सुंदरता को निहारेंगे।